And I'll say this on the floor of the house, that bullet train is your vanity project. But since we're talking about big ideas, let's talk about some of those ideas which were promised in 2022. And we are all so eagerly looking forward to farmer income will double, 2022. Bullet train will come, 2022. 5 trillion economy, 2022. Water and toilet in every home, 2022. Electricity for all, 2022. बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, हमें गर्व करना चाहिए. ऐसे प्रोजेक्ट्स के कारण देश की दिशा बदलती है. ऐसे प्रोजेक्ट्स को कोई वैनिटी प्रोजेक्ट्स बोले तो ये शर्म की बात है. मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि जब दिल्ली मेट्रो आया था माननीय सभापति जी, तब भी इसी तरह की बातें हुई थी. जब मैं श्रद्धेय अटल जी के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, जब 4 लेन की बात आई थी, जब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात आई थी, तब भी कहा जाता था कि कहाँ देश में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की ज़रूरत है, क्यों कोई 54,000 करोड़ खर्च करेगा. ऐसी बातें देखिए करना आसान होता है, क्वेश्चन करना आसान होता है, लेकिन हिम्मत के साथ किसी प्रोजेक्ट को लेके कंसेप्चुलाइज करके उसको एग्जीक्यूट करना, वो एक बड़ी बात होती है. वो है हमारी सरकार की. आपकी सरकार केवल विजन रखती थी, हमारी सरकार एग्जीक्यूट करती है, काम करती है और हर एक पॉइंट पे एक बारीकी से देख के उसको आगे लेके जाती है. We feel nothing wrong with the bullet train, maybe at some later stage, to make that bullet train cost you about 200 crores a kilometer. Our priority would have been the dedicated freight corridor for sabzi, for chawal, for gram, for everything else at 25 crore kilometers a corridor, a kilometer. 200 crores, 25 kilometers. I understand, and I'll say this on the floor of the house, that bullet train is your vanity project. But since we are talking about big ideas, let's talk about some of those ideas which were promised in 2022. And we are all so eagerly looking forward to farmer income will double, 2022. Bullet train will come, 2022. 5 trillion economy, 2022. Water and toilet in every home, 2022. Electricity for all, 2022. अध्यक्ष जी, सभापति जी, मैं छोटा सा इस सदन के सामने प्रश्न रखना चाहूँगा कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन की एस्पिरेशंस क्या है. क्या हमारी एस्पिरेशंस में आधुनिक होना नहीं है? क्या हमारी एस्पिरेशंस में हमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करना नहीं है? क्या हमारी एस्पिरेशंस में एक अफोर्डेबल जर्नी, अफोर्डेबल गुड क्वालिटी जर्नी नहीं है? है ही. आज किसी भी नौजवानों से पूछिए, आप किसी से भी पूछिए, हर कोई चाहता है कि ट्रेन में ट्रैवल करे. लेकिन ट्रेन्स एक जमाने की गति से, एक जमाने के तरीके से चलती आ रही थी, इसलिए बहुत बड़ी जनसंख्या जो चाहते हुए भी ट्रेन में आज नहीं जाती है, जो चाहते हैं कि ट्रेन में जाए लेकिन नहीं जा पाते. ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स को अगर देखें तो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा के लिए एयर इज़ द मोस्ट सूटेबल. लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ 135 करोड़ जनसंख्या है, जहाँ 800 करोड़ ट्रिप्स आज भी है, जो कि 1000 करोड़ की तरफ बढ़ने वाली है, उसमें हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ों को अडॉप्ट करना ही होगा. दुनिया भर में 25 देशों ने ऑलरेडी हाई स्पीड को, बुलेट को, बुलेट इज़ अ कोलोकियल नेम, उसका भी एक इतिहास है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो जापान ने ट्रेन बनाने की कोशिश की थी 160 km/h की, जो कि आज हमारी वंदे है उसके हिसाब से, तो तब उसका नाम उन्होंने बुलेट ट्रेन दिया था. कुछ उसका एग्जैक्ट नाम भी है शायद दांगान रेशा. डायरेक्ट भाई को पता होगा पक्का, दांगान रेशा 1939 में. तो वही नाम, फिर बाद में वर्ल्ड वॉर हुआ तो वर्ल्ड वॉर के कारण में उसका बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली शेल्व हो गया, आगे प्रोग्रेस नहीं हुई. फिर 1960s में, लेट 1950s में, 1964 में जाके शिंकानसेन के नाम से आई.
शिंकानसेन का अगर लिटरल ट्रांसलेशन देखोगे तो दैट इज न्यू ट्रंक लाइन, लेकिन जो बुलेट ट्रेन पहले का नाम चल रहा था वही कोलोकियली उसी नाम से लोग जानने लगे। वो कि वो ट्रेन्स, जो ट्रेन्स आज जापान में E5 सीरीज चल रही है उसी ट्रेन्स को भारत में ला रहे हैं, और साथ ही साथ सभापति जी एंटायर सिविल वर्क, ट्रैक वर्क सारा का सारा भारत के इंजीनियर्स कर रहे हैं, भारत की कंपनियां कर रही हैं। ये टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने का एक तरीका है। बातें आई हर 100 मीटर के बाद में जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया है एंटायर सॉइल का, एंटायर स्ट्रेच का, कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, कोई शॉर्टकट नहीं लिया गया। एशिया की सबसे बड़ी जियो टेक्निकल लेबोरेटरी स्थापित हुई है सूरत में। इस प्रोजेक्ट के लिए एशिया की सबसे बड़ी जियो टेक्निकल लेबोरेटरी स्थापित हुई है सूरत में। आज और जो प्रोग्रेस हो रही है उस प्रोग्रेस के चलते आज करीब करीब 8 किलोमीटर पर मंथ पिलर्स कास्ट हो रहे हैं, 29 किलोमीटर के पिलर्स कास्ट हो चुके हैं, क्लोज टू 80 किलोमीटर के इसमें फाउंडेशन कास्ट हो चुका है। अब आगे जब, और इंजीनियर्स की टीम बहुत इसको अच्छे से सोच समझ के कर रही है कि आगे मानसून जब आएगा तो मानसून में फाउंडेशन का काम करना मुश्किल होता है, इसके लिए अभी पहले पिलर्स ज़्यादा कास्ट करो, जब मानसून का पीरियड आएगा तो गर्डर और वायाडक्ट ऊपर वाला कंप्लीट करेंगे। तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, हमें गर्व करना चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स के कारण देश की दिशा बदलती है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को कोई वैनिटी प्रोजेक्ट्स बोले तो ये शर्म की बात है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि जब दिल्ली मेट्रो आया था माननीय सभापति जी तब भी इसी तरह की बातें हुई थी। जब मैं श्रद्धेय अटल जी के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, जब 4 लेन की बात आई थी, जब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात आई थी, तब भी कहा जाता था कि कहां देश में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की जरूरत है, क्यों कोई 54,000 करोड़ खर्च करेगा। ऐसी बातें देखिए करना आसान होता है, क्वेश्चन करना आसान होता है, लेकिन हिम्मत के साथ किसी प्रोजेक्ट को लेके कंसेप्चुलाइज करके उसको एग्जीक्यूट करना, वो एक बड़ी बात होती है। वो है हमारी सरकार की, आपकी सरकार केवल विजन रखती थी, हमारी सरकार एग्जीक्यूट करती है, काम करती है और हर एक पॉइंट पे एक बारीकी से देख के उसको आगे लेके जाती है।